Hello friends, welcome to my channel. So this is my fifth video on the President of India. ये topic हम लोग पढ़ रहे थे Indian polity के अंदर जो Constitution of India है उसका part 5 का topic है. तो इसमें मैं already चार video बना चुका हूँ. So I will appreciate कि अगर आप पहले वो चार video देखें and then we can go with this. So let's start this video. Question number 41. Who is the executive head of the state in India? देखिए ये क्वेश्चन वैसे बिल्कुल सिंपल है. हमने पहले भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसी के अंदर आर्टिकल 52 53 हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने कवर किए थे कुछ क्वेश्चन. तो सिमिलर ऑन द सेम लाइन ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है इंडिया के अंदर वो कौन होता है. तो वो ऑफकोर्स प्रेजिडेंट होता है. आर्टिकल 53 इज टोटली अबाउट दैट. आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी अ प्रेजिडेंट इन ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 53 स्पेसिफिकली कहता है कि एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है इंडिया का वो प्रेजिडेंट होता है. एक और चीज़ आर्टिकल 53 में मेंशन है कि जो सुप्रीम कमांडर होता है ऑल द थ्री आर्म फोर्सेस वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही होते हैं. सो लेट्स गो, हियर इज द आंसर. आंसर ए, बिहार पीसीएस 2000 का क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिमिलर क्वेश्चन है. एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन के वो किसके पास होती है, तो वो प्रेजिडेंट के पास होती है. एंड विच आर्टिकल डिफाइन दैट, आर्टिकल 53. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. यूपी पीसीएस में 2010 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 43 अगेन सेम क्वेश्चन. एग्जीक्यूटिव पावर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट, राइट. तो आंसर नंबर सी, सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 अगेन. एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो किसके पास होती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास. प्राइम मिनिस्टर या सेंट्रल कैबिनेट इज नॉट द राइट ऑप्शन. तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट चॉइस, राइट. क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, assertion और रीजन के ऊपर क्वेश्चन है. assertion स्टेटमेंट है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की होती है वो प्रेजिडेंट के पास होती है. रीजन है एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न अबाउट द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट. देखिए दोनों ही ऑप्शन जो है, दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है. एग्जीक्यूटिव पावर जो यूनियन की होती है वो बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही होती है. और स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक है कि एग्जीक्यूटिव पावर अगर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, उसका मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट के जितने भी एग्जीक्यूटिव बिजनेस वाले टास्क होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है. लेकिन ये यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट्स का आपस में, ठीक है. एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इट इज़ नॉट द राइट रीजनिंग फॉर द assertion स्टेटमेंट. तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए, करेक्ट, राइट. दिस इज द क्वेश्चन इन यूपीपीसी 2010 में आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं. चार ऑप्शन दी, चार स्टेटमेंट दी हुई है एंड वी नीड टू टेल विच वन इज द करेक्ट. देखिए पहली स्टेटमेंट है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है यूनियन की वो तो प्रेसिडेंट के पास होती है एज पर द आर्टिकल 53. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट गलत हो रहा है. इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों ही गलत हो जाते हैं. तो कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इनके बेस पर भी डिसाइड कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है. अगर बाकी स्टेटमेंट देखी जाए वो भी एक बार देख लेते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है, ठीक है. ऑप्शन नंबर थर्ड है प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ऑप्शन फोर है प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड नॉट टू बी द मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. हो सकता है देखिए जो आप में से कुछ स्टूडेंट जो बिगनर हैं दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये स्टेटमेंट्स क्यों सही है या इसमें क्या रीजनिंग है, क्या एक्सप्लेनेशन है. मैं इन स्टेटमेंट्स को, इन रीजनिंग को अभी नहीं कवर करूंगा बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रेसिडेंट. When we are going to have a discussion about the parliament, within that we are having many articles. जब हम वो discuss करेंगे you will get to know all this. Okay, don't worry about that. So let's see the answer. Option C is the right answer. यू पी पी सी एस में 2011 का क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 47th अगेन सिमिलर क्वेश्चन है. हु इज द हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर्टिकल 53 itself, right? लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 48. नाउ हियर इज द वेरिएशन. देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसके बाद प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी कि वो अगर उसके पास कोई बिल आ रहा है उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भेज सकता है,
ठीक है। अब इसको आंसर करने से पहले देखिए मैं एक बताता हूँ, देखिए दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल सॉरी अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में लाया गया था और 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में लाया गया था। 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी इमरजेंसी के टाइम के उस वक्त लेकर आई थी और उसमें एक प्रोविजन किया गया था और प्रेजिडेंट की पावर छीन ली गई थी, ठीक है। उसमें ऐसा प्रोविजन, एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन किया गया था कि प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आता है, कैबिनेट उसको अप्रूव करता है, तो प्रेसिडेंट हैव टू साइन दैट। इसके बाद जब इंदिरा जी की गवर्नमेंट गिर गई और मोरारजी देसाई जी की जनता गवर्नमेंट आई, वो एक अमेंडमेंट लेकर आई, अमेंडमेंट 44th। उसके अंदर एक प्रोविजन डाला गया कि प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए बिल को वापस भेजने की पावर है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट उस पर कुछ नहीं कर सकता है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसको क्या नाम रिकमेंड किया है, डेफिनेटली वो वापस भेज सकता है दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये जो प्रोविजन है ये आर्टिकल 44 सॉरी अमेंडमेंट 44 से आया था। तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं इसका ऑप्शन होना चाहिए डी, राइट। दिस इज क्वेश्चन फॉर द IAS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 49। द प्रेजिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अब ये पूछ रहे हैं कि किसके रिकमेंडेशन पे लोकसभा भंग की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट इज द राइट आंसर। राज्यसभा के रिकमेंडेशन पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। सिर्फ कन्फ्यूजन पॉइंट क्या हो सकता है कि लोकसभा की रिकमेंडेशन या फिर रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है। लोकसभा देखिए अपने आप में 552 मेंबर मैक्सिमम होते हैं लोकसभा के अंदर, हालांकि अभी करंटली जो लोकसभा चल रही है उसके अंदर 554 मेंबर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जो ये पूरी स्ट्रेंथ है इनकी रिकमेंडेशन के बाद ही लोकसभा भंग की जा सकती है। इस 545 में से कुछ ही सेलेक्टेड ऐसे लोग होते हैं जो यूनियन कैबिनेट का पार्ट होते हैं, ठीक है, जो पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। विद इन पार्लियामेंट लोकसभा के अंदर आप लोकसभा या राज्यसभा अगर कहें, देखिए ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसी के अंदर एक होता है यूनियन कैबिनेट, ठीक है। यूनियन कैबिनेट में जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेटर का तो पार्ट है ही है क्योंकि वो लोकसभा या राज्यसभा के में क्या नाम का मेंबर हैं, लेकिन साथ ही साथ वो यूनियन कैबिनेट का पार्ट है इसलिए वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट दो तरह के रोल प्ले करते हैं। यूनियन कैबिनेट एक तो जो पूरी एग्जीक्यूटिव है उसको चलाते हैं और साथ ही साथ लेजिस्लेटर का पार्ट भी होते हैं। तो यूनियन कैबिनेट का जो लीड होता है, लीडर होता है, मास्टरमाइंड होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। सो कंबाइन विद प्राइम मिनिस्टर जो मेन लीडर्स होते हैं, जैसे अभी भी हमारी जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है उसके अंदर अरुण जेटली ले लीजिए, राजनाथ सिंह जी ले लीजिए, दीज आर पीपल्स हु आर द पार्ट ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर लोकसभा भंग हो सकती है, उसमें लोकसभा पूरी लोकसभा की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए होती है, लेकिन हाँ लोग रिकमेंडेशन के बाद भंग कौन करता है, प्रेसिडेंट भंग करता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा भंग करने की अथॉरिटी किसके पास है, वो है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन वो करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ओके। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सेम क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर लोकसभा डिसॉल्व करते हैं तो वो किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, तो यूनियन कैबिनेट, डी शुड बी द राइट आंसर, करेक्ट, या हियर इट इज, ऑलराइट। सो आई हैव कवर्ड 10 मोर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, बाकी जो क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के टॉपिक पे आई एम गोइंग टू टेक फ्यू मोर वीडियो, सो लेट्स कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। हियर इट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।